नमस्कार दोस्तों, एक बार और स्वागत है आपका हमारे चैनल एस के मैकेनिकल टेक में। आज हम जानेंगे मेजरिंग टेप के बारे में और इसका हम स्टडी करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है और ये 5 मीटर का टेप है और जो 90 mm लिखा हुआ है इसका विड्थ है। टेप 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 30 मीटर्स इत्यादि आता है। तो चलिए इसको हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे। इस टेप में स्टार्टिंग में हुक दिया हुआ रहता है जो कि ये 90 डिग्री में होता है और किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट लेना होता है तो इसको फंसा करके ऐसा और इसको मेजरमेंट लिया जाता है। जैसा कि इसमें ऊपर देखेंगे ये इंच दिया हुआ है और नीचे में सेंटीमीटर दिया रहता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हुक के द्वारा ढका हुआ है, 1 इंच, 2 इंच, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे 8 दिया है, 9, 10, 11 और 12 के जगह पे ये हाईलाइट किया हुआ है, एक लिखा हुआ है जो कि 1 फीट होता है, 12 इंच में 1 फीट होता है। सेम इसी प्रकार से आगे में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 23 के बाद से 24 इंच पे दिया है 2 फीट और नीचे में दिया हुआ है यहाँ पे हुक के द्वारा ढका हुआ है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सेम इसी प्रकार से आगे में दिया हुआ है, 10 पे जो हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर का 10, फिर यहाँ से 1, 2, 3 करके और यहाँ पे ये 20 दिया है। तो चलिए हम पहले इंच के बारे में जान लेते हैं। ये ऊपर में इंच दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर्स होता है और 1 इंच में 25.4 mm होता है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक 2.54 सेंटीमीटर होगा और अगर जो एमएम में काउंट करेंगे तो 25.4 mm होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 और 7 के बीच में ये 2, 1, 2 और 3 ये 3 लाइनें हैं। चलिए मैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 और 3, यहाँ से ये 1 इंच है यहाँ तक का लंबाई और 1, 2 और 3 और ये 4 वो खाने हैं। अगर ये 6 यहाँ पे है तो 7 इंच यहाँ पे है, तो अगर जो इसको लिखेंगे हम, अगर जो यहाँ पे आएंगे तो हम लिखेंगे 6/1/4 इंच यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 6/1/2 और यहाँ पे 6/3/4 इंच हो जाएगा और यहाँ पे आएंगे तो ये 7 इंच हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और एक लाइन है और इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं तो ये क्या है, ये सूत होता है। जैसा कि हम जानते हैं जी, मैं
आठ सूत होता है, एक इंच में आठ सूत होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और जो एक सूत होता है तीन दशमलव एक सात पाँच mm होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे इसको भी डिवाइड किया गया है, एक इसको भी यहाँ पे ऐसा एक एक लाइन है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं सूत को कैसे हिसाब से लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक सूत के लिए एक सूत को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर जो इंच को अगर जो इसमें इंच माध्यम से अगर जो सूत लिखना हो तो इसको 1/8 100 बोलेंगे, और दो सूत के लिए 1/4 हो जाएगा, और तीन सूत के लिए हो जाता है 3/8। और यहाँ पे चार सूत के लिए 5 और 6 सूत, यहाँ पे देखिए चार सूत के लिए हो जाएगा 1/2, यानी कि हाफ हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है, और पांच सूत के लिए हो जाएगा 5/8, और सिक्स के लिए हो जाएगा 3/4, और सात सूत के लिए हो जाएगा आपका 7/8, और आठ सूत के लिए यानी कि एक इंच, ये इंच का सिंबल है, एक इंच हो जाएगा, लिख रहा है थोड़ा सा मैं साइड में कर दूँ, एक इंच हो जाएगा, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसको इस हिसाब से भी नोट कर सकते हैं। जब ये दो भाग में डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको किस हिसाब से लिखेंगे। जैसे एक ये हो गया हाफ, अभी ये एक सूत हुआ है और इसका ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया, आधा सूत, यानी कि हम आधा सूत को लिखेंगे, आधा सूत को हम लिखेंगे 1/16। और ये एक सूत हो गया जो कि मैं बता दिया हूँ यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा 1/8, और डेढ़ सूत के लिए हो जाएगा 3/16, और यहाँ पे दो सूत के लिए मैं बता दिया हूँ, और ढाई सूत के लिए 5/16 हम 5/16 सेम इसी प्रकार से 3.5 सूत के लिए 7/16 हो जाएगा, 4.5 सूत के लिए हो जाएगा 9/16, 4.5 सूत हो गया, अभी 5.5 सूत, 5.5 सूत का होता है 11/16, और 6.5 सूत इसका हो जाएगा 13/16, और 7.5 सूत का हो जाता है 15/16,
और 8 सूत के लिए हो जाएगा, यानी कि 8 सूत के लिए हो जाएगा 1 इंच, क्योंकि 1 इंच हो जाता है। सेम इसी प्रकार से आगे में भी इसको डिवाइड किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आगे में डिवाइड किया हुआ है 6 इंच से पहले, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/32 के हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए अभी नीचे में देख लेते हैं, सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, और 1 सेंटीमीटर में 10 भाग डिवाइड किया हुआ है, जो कि ये mm है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm है। और यहाँ पे जब 10 पे आएंगे तो 10 पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये 100 mm हो गया। सेम आगे जाएंगे तो यहाँ पे 110, 120, 130, 140, 50, 160, 170, 180, 190 और 200। सेम आगे जाएंगे ऐसे ही 1000 तक, तो वहाँ पे 1 मीटर होगा, यानी कि 1000 mm इक्वल टू 1 मीटर, ये 1 मीटर होता है।